बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसी हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात जुमा चहारत पंजाब टैक्स बोर्ड कर रहे हैं, इसका बाप सोईम हमने स्टार्ट किया हुआ है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो आज टॉपिक हमने करना है वो है टॉपिक नंबर 3, हिजरत हबशा और अफसाना। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और मशक भी इसकी कंप्लीट करेंगे। हमें अब इसके टॉपिक नंबर 3 हिजरत हबशा की रीडिंग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की थी। हबशा अरब के जुनूब में बहरा अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़ है। आज का ये इलाका इथोपिया कहलाता है। पहली हिजरत हबशा, नबी अकरम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में जिन लोगों ने आ खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम के दावत को कबूल किया, इनको कुफारे मक्का की तरफ से सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मक्का मुकरमा में रहना मुश्किल बना दिया गया था। इस सूरत हाल में रसूल अकरम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम ने सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, वहाँ का बादशाह एक आदिल हुक्मरान है। जहाँ नबी अकरम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का यह पहला काफिला 11 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। इस काफिले के अमीर हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। दूसरी हिजरत हबशा, हबशा में ये अफवाह फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाद मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुँच कर इन्हें मालूम हुआ कि अफवाह झूठी थी। कुफार के जुल्म सितम में रोज़ बर रोज़ इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फैसला किया। इस काफिले में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। ये लोग हबशा पहुँच कर नहायत सुकून व इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते। मुशरिकीन मक्का के लिए मुसलमानों को हबशा में सुकून इत्मीनान से रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने मुसलमानों को वापस लाने के लिए नजाशी के पास एक वक्त भेजा। ये वक्त 2 अफराद पर मुश्तमिल था। वक्त नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने जंग तरफा फैसला देने के बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फैसला किया और इन्हें दरबार में बुला भेजा। मुसलमानों ने हजरत जाहर बिन अबी तालब रज़ियल्लाहु अन्हु को तर्जुमानी का फरीज़ा सौंपा। अब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी के सवाल पर कहा, है बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयाँ करते थे, रिश्तेदारियाँ तोड़ते और हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल चुना जिनके हर अखलाक सच्चाई अमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। उन्होंने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, नमाज रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी और हम उन पर ईमान ले आए। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सजाएं दी। हम उनके जुल्म सितम से तंग आकर
आपके मुल्क में पना ली ताकि हम अमन से रह सकें। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने ये गुफ्तगू सुनकर बोला, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं इसमें से कुछ सुनाओ। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी पर इनका बहुत असर हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, अल्लाह की कसम ये कलाम और अंजील मुकद्दस दोनों एक ही चिराग के नूर हैं। ये कहकर उसने कुरैश के लोगों से साफ कह दिया कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस वाक़े के बाद कुरैश के नुमाइंदे वापस मक्का मुकरमा चले गए और मुसलमान हबशा में अमन व सुकून और आज़ादी से रहने लगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इस तर्ज अमल से हमें यह सबक हासिल होता है कि एक मुसलमान को अपने दीन की हिफाजत के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप स्टूडेंट इसकी मशक करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मशक। इसकी इसे क्वेश्चन नंबर वन है, दुरुस्त जवाब पर टीका निशान लगाए। अली भाई मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से पहले हिजरत की, अली यमन की तरफ, बे हबशा की तरफ, जी ईरान की तरफ, दार मदीना मुनव्वरा की तरफ। हम टिक करेंगे बे भी हबशा की तरफ, यानी मुसलमान ने मक्का मुकरमा से पहले हिजरत की हबशा की तरफ। बे हबशा की तरफ पहली हिजरत हुई नबूवत के चौथे साल, नबूवत के पाँचवें साल, नबूवत के छठे साल और नबूवत के सातवें साल। तो हम टिक करेंगे नबूवत के पाँचवें साल, हबशा की तरफ जो पहली हिजरत हुई थी वो नबूवत के पाँचवें साल हुई थी। जी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु का जीना मुश्किल बना दिया गया था मदीना मुनव्वरा में, बे मक्का मुकरमा में, जीम हबशा में, दार यमन। तो हम बे बेटी करेंगे मक्का मुकरमा में। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम का जीना मुश्किल बना दिया था कहाँ पर, मक्का मुकरमा में। हबशा के बादशाह को कहते थे कैसर, किसरा, निजैशी, मकुकस। तो हम जीम बेटी करेंगे निजैशी, हबशा के बादशाह को निजैशी कहते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिफाजत के लिए घर बार छोड़ दिया। आरिफ दीन की बे जिंदगी की, जीम वतन की, अवतार खानदान। तो यह है कि आरिफ बेटी करेंगे दीन की खातर इन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीन की हिफाजत के लिए अपना घर बार जो है वो छोड़ दिया था दीन की हिफाजत के लिए। क्वेश्चन नंबर टू है, मुनासिब अल्फाज की मदद से जगह पूर्ण करें। खाली जगह पूर्ण करनी है आपने इसमें। अली भाई हबशा अरब के जुनू में डैश के दूसरे किनारे पर वाक़िया है। तो ये देखिए इधर इसका हम लिखेंगे, हबशा अरब के जुनू में बहीरा अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़िया। तो यहाँ पर हम बहीरा अहमर लिखेंगे। अब बे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया गया कि तुम लोग डैश की तरफ हिजरत कर जाओ। तो ये इसमें आ गया हबशा की तरफ हिजरत कर दो, हबशा लिखेंगे। निजाशी एक डैश हुक्मरान था, इसका ये देखिए पीछे निजाशी का ये देखिए लिखा हुआ, जैशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उसका हम इधर लिखेंगे निजाशी एक इंसाफ पसंद
हुक्मरान थे। नेक्स्ट है मुसलमान हबशा पहुँच के नहाय सुकून और तैयार से रहने लगे, सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। ये देखिए देखिए ये लोग हबशा पहुँच के नहाय सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। फिर इत्मीनान लिखेंगे यहाँ पे मुसलमान हबशा पहुँच के नहाय सुकून और इत्मीनान। हम से रहने लगे। नैसे अहले मक्का का वक्त दहशत अफराद पर मुश्तमिल था। ये तो पहली दफ़ा जो हिजरत तो हबशा की तरफ की थी, तो मक्के के लोगों का जो काफिला था वो कितने लोगों का था? मुश्तमिल ये काफिला 11 मर्दों और 4 औरतों का मुश्तमिल था। हम यहाँ पर लिखेंगे 11 मर्दों और 4 औरतों। ग्यारह मर्दों और 4 औरतों। ग्यारह मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मुझसे जवाब लिखे जाएंगे। शॉर्ट आंसर इन्होंने पूछे हुए इसका क्वेश्चन नंबर 1 ने अलिफ यानी कि हिजरत से क्या मुराद है? इसका आंसर है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का आंसर है अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। इसमें आपने ये लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकरमा क्यों वापस आए? तो इसमें आप ये आंसर लिखेंगे शॉर्ट 2 का कि हबशा में ये अफवाह फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाद मुसलमान वापस आ गए। यहाँ तक आपने लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी हिजरत हबशा में कितने लोग शामिल थे? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मेरे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है इस काफिले में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थी। 83 मर्द और 19 वुमेन औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले हिजरत अफशा में काफिले के अमीर कौन थे? तो इसका आप आंसर लिखेंगे ये पहली जो हिजरत अफशा की थी इस काफिले के अमीर हैं का नाम है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये आपने लिखे यानी कि इस काफिले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तफसीली जवाब लिखे यानी कि नौ क्वेश्चन है हज़रत जाफर बिन अभी तारीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निजाशी के दरबार में जो तकरीर की उसको अपनी अल्फाज में तहरीर करें। तो इसके आंसर में आप लिखें जो तकरीर की थी कि इसका आंसर जहाँ से आपने लिखना है शुरू करना है ऐ बादशाह हम जाहिल थे बुतों को पूजते थे मुर्दार खाते थे बुराइयाँ करते थे रिश्तेदारियाँ तोड़ते रमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हमें से रसूल चुना जिनके आला अखलाक सच्चाई इमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। उन्होंने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया नमाज रोज़ा ज़कात का हुक्म दिया पाक दामनी और सिला रहमी की तलीम दी और हम उन पर ईमान लिया। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सजाएं दी
हमें उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह ली ताकि हम अमन से रह सकें। हम उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने लिखा, हिजरत अफशा से हमें क्या सबक मिलता, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे। हमें हिजरत अफशा से हमें यह सबक मिलता है, हमें यह सबक हासिल होता है कि एक मुसलमान को अपने दीन की हफाजत के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही सूरन सा आज के हमारा जो टॉपिक था हिजरत अफशा, उसकी रीडिंग और मशक कम्प्लीट हुई। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।